पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय भागलपुर का 129वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसके तहत आज रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीआईजी विवेकानंद एवं पंजाब नेशनल बैंक के कई पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं बैंक के द्वारा डीआईजी विवेकानंद को मोमेंटो व पुष्प कुछ देकर स्वागत किया गया। आज के इस ब्लड डोनेशन कैंप में डीआईजी विवेकानंद ने भी अपना ब्लड डोनेट किया। इस अवसर पर डीआईजी विवेकानंद ने कहा कि बैंक द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया, जिससे मैं काफी प्रभावित हुआ और मैंने भी इस ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट किया। मैंने पहली बार 1989 में अपना ब्लड डोनेट किया था। जब भी अवसर आते हैं मैं अपना ब्लड जरूर डोनेट करता हूं, जिससे किसी जरूरतमंद की जान बच सके। कार्यक्रम के दौरान पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय भागलपुर के दर्जनों पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। दिवस के अवसर पर उनके द्वारा ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था और आने पर मैं भी इंस्पायर्ड हुआ और मैंने भी मुझे लगा कि कहकर कोई काम करने से अच्छा है कि उसको कर दिखाया जाए। और इससे पहले भी मैंने कई बार ब्लड डोनेशन किया है, सबसे पहली बार 1987 में किया था। जब भी ऐसे अवसर आते हैं अवश्य डोनेट करता हूँ। और आज का दिन हमारे लिए स्थापना दिवस भी है और संकल्प दिवस भी है। आज हम पंजाब नेशनल बैंक के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी संकल्प लेते हैं कि जिन मूल्यों को लेकर लाला लाजपत राय जी ने इस संस्था की स्थापना करी थी, उन मूल्यों की रक्षा करेंगे और अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करते आए हैं, करते आए रहेंगे। जय भारत, जय पीएम। भागलपुर के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक चुनाव को लेकर सभी वोटर काफी खुश दिखे। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक द्वारा आज अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, जिसमें 2 प्रत्याशी जितेंद्र सिंह और सुभाष यादव मैदान में खड़े थे। सुभाष यादव ने बताया, मैं 5 साल विश्वास के साथ लोगों के काम किया हूं, निश्चित रूप से परिणाम इस बार भी अच्छा ही होगा। वहीं जितेंद्र कुमार ने कहा, लोग बदलाव चाहते हैं और उनके मन मुताबिक काम नहीं हो रहा, जिसे मैं पूरा करूंगा। उम्मीद है मैं अच्छे वोटों से जीतूंगा। गौरतलब हो कि पैक्स चुनाव में 427 वोटर में 420 वोटर इस बार अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। वहीं 23 व्यापार मंडल है जिसमें यह वोटिंग हो रही है। वोटिंग शांतिपूर्ण और सुरक्षा के बीच की जा रही है। कोऑपरेटिव बैंक का भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक 427 पैक्स का वोटर और व्यापार मंडल का 23। 5 साल जनता के साथ काम किए, विश्वास के साथ काम किए, उनको जो सुविधा देना था दिए, उसी का हम लोग हम प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के। टोटल कितने वोटर हैं? 420 वोटर हैं पूरे प्रमंडल के, सभी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष वोटिंग करते हैं। 427 पंचायत है, इसमें 7 में चुनाव नहीं हो पाया या किसी कारण बस जो है वो स्थगित है। 420 वोटर अभी वोटिंग करेंगे। शहर के एक स्थानीय होटल में नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के तहत जैविक खेती से उत्पादित फसलों को खरीदने बेचने वालों के बीच 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आज के इस प्रशिक्षण शिविर में बिहार के 6 जिलों के किसान पहुंचे थे, जिन्होंने जैविक खेती के तहत उपजे फसलों को कैसे उचित जगहों पर उचित दामों में बेचा जाए, जिससे अच्छी रकम किसानों को मिले, विषय पर चर्चा की। साथ ही साथ किसानों के तैयार फसलों की गुणवत्ता के हिसाब से किसानों को कीमत मिले, इस पर भी विचार किया गया। कार्यक्रम के दौरान कृषि विकास पदाधिकारी अनिल कुमार यादव, असिस्टेंट डायरेक्टर जयदीप राय, डीजीएम आरएस तोमर, नमामि गंगे भागलपुर के नोडल पशुपतिनाथ, तेज सिंह नरुका, ज्ञानेश्वर नाथ, वीरेंद्र गुप्ता के साथ साथ 6 जिलों के किसान व प्रशिक्षक मौजूद थे। हम सबका बार बार ये होता था कि जो उत्पादन शुरू हो चुका है हम लोगों का, अब उसका किस तरह से हम लोग ये कोशिश करें कि उनके सामान की बिक्री हो जाए। हमेशा मार्केट का अभाव रहता है और विपणन किस तरह से हो, ये मुख्य समस्या हमारे किसानों की होती है। उसी के निदान में हम लोग ये आज बायर का भी और किसानों का मीट किए हैं, बायर सेलर का, ताकि वो लोग एक दूसरे को आपस में देख लें, जान जाए और उनके जो उत्पाद हैं उनसे अच्छी तरह से वाकिफ हो लें और उसका सही कीमत उनको मिले, वो आपस में मूल भाव आपस में कर सके कि बाजार भाव मेरा क्या है, हम जब ऑर्गेनिक उत्पाद कर रहे हैं तो हमारे उत्पाद की कीमत आप कितना देंगे और किस तरह से उसका मार्केटिंग होगा। तो ये देख रहे हैं कि 11 बायर आए हुए हैं आज हम लोग के बीच में और जो हमारे किसानों के प्रतिनिधि आए हुए हैं 24-28 किसान के और प्लस 2028 किसान के। नौगछिया पुलिस जिला के नगरह गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों में नगरह निवासी उमाकांत गोस्वामी, जयप्रकाश गोस्वामी, चंदन गोस्वामी हैं। अनुमंडल अस्पताल में उमाकांत और जयप्रकाश का प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए JLNMCH रेफर कर दिया गया। जानकारी मिली है कि गेहूं की फसल कटनी के दौरान गांव के लोगों द्वारा ही तीनों के साथ मारपीट की गई, जबकि जयप्रकाश और उमाकांत ने पत्रकारों को बताया कि उन लोगों के खेत में जबरन गेहूं की कटनी की जा रही थी। जब उन लोगों को पता चला तो वे लोग मौके पर जमीन का कागजात लेकर पहुंचे। पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि वहां गोपालपुर विधानसभा के विधायक
नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल भी मौजूद थे। दोनों घायलों ने बताया कि उन लोगों ने कटनी कर रहे ग्रामीणों रामदास मिश्रा उर्फ मालो पांडे, लक्ष्मण मिश्रा उर्फ सरला व अन्य को कटनी करने से रोका और विधायक को जमीन के मालिकाना हक का कागजात दिखाने लगे। इसी क्रम में विधायक गुस्सा हो गए और सभी लोगों के साथ उसके 3 सदस्यों को पीटने लगे। जानकारी मिली है कि 2.25 बीघा जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद है। हालांकि पीड़ितों ने खबर लिखे जाने तक थाने में किसी प्रकार का आवेदन नहीं दिया था। मामला स्थानीय पुलिस के संज्ञान में है। हाँ, विधायक भी थे। कौन विधायक? गोपाल मंडल। आप देखे थे? हाँ। वो क्या किए थे? पहला लाठी तो वही चलाया। कौन? गोपाल मंडल। हाँ। किसके ऊपर? हमरे ऊपर, तीनों के ऊपर। अच्छा, तीनों को मारे। उसके बाद जो है तब उसका जो है मतलब जो हम तो उसको तो गलमुछी लगे लिए था, उसके बाद जो है वो फसल लूटने के क्रम में फसल लूट रहा था। हम लोगों को खबर हुआ, हम लोग पहुँचे, जानकारी हुई तो हम लोग पहुँचे। जैसे गए ताकि उधर से दौड़ गया हलवे हथियार के साथ एकदम। कौन सब दौड़ा? कौन सब दौड़ा? विधायक था। कौन विधायक? गोपाल मंडल। हाँ, गोपाल मंडल। कौन विधायक? गोपाल मंडल। और कौन था उसके साथ में? बॉडीगार्ड सब था, 3-4 लोग, प्राइवेट बॉडीगार्ड। अच्छा, सर्वे कर दिया। दक्षिणी क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय क्लबगंज में मध्याह्न भोजन के दौरान मिलने वाली खिचड़ी में कीड़ा निकल जाने के कारण बच्चे भोजन नहीं किए और सारा खाना बच्चों ने फेंक दिया और स्कूल में हंगामा करते नजर आए। बच्चों का कहना है कि पहले ठीक खाना दिया जाता था, लेकिन कुछ दिनों से लगातार खाने में कीड़े निकल रहे हैं, जिसका विरोध आज बच्चों ने किया। वहीं प्रधानाचार्य का कहना है कि मध्याह्न भोजन में कीड़ा निकलने की सूचना उन्होंने विभाग को दे दी है। जैसा कि अभी आया सामने में कि बच्चे ने दिखाया कि कुल्लू निकला हुआ है, जब कुल्लू निकला हुआ है तो ऐसा गंदा खाना तो खिलाना उचित नहीं है, तो बढ़िया हुआ कि बच्चे ने खाना फेंक दिया। तो आज क्या था मेनू के अनुसार खाना क्या था? खिचड़ी चोखा। और कभी निकला है? हाँ, एक और गंदा था, कुल्लू था। सब आदमी फेंक दिया? हाँ। काहे के लिए फेंका? पिल्लू था। क्या नाम बतूरा? अंकुश कुमार।